हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू अरा मैथ्स क्लासेस। आज हम कैलकुलस का लेक्चर लेंगे और इसमें मैंने स्टार्ट करवा रखा है आपको फर्स्ट चैप्टर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। ठीक है, आज इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, L is said to be limit of function f of x if mod of f of x minus L less than epsilon whenever x minus a less than delta। ठीक है, ये जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है वो ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। मीन्स x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू जो हो, अगर a पॉइंट यहाँ पे है तो a माइनस डेल्टा इधर आएगा इसके लेफ्ट में, बिकॉज a में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से लेफ्ट में पॉइंट जाएगा और a प्लस डेल्टा राइट में जाएगा। दैट मीन्स a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमारा a पॉइंट लाई करेगा, इसलिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a एंड a लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। क्लियर, हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को ब्रेक कर लिया है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में a भी लाया करेगा और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को जो वो a भी ब्रेक कर सकते हैं। इससे आप क्या शो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप इस कंडीशन के लिए अगर मैं बाय डेफिनेशन, जैसे ये हमारी डेफिनेशन है कि एफ फंक्शन एल को कब एल जो हो एफ फंक्शन की लिमिट कब बनेगी, तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अगर मुझे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन बतानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ए के लेफ्ट में लाई करेगी। अंडरस्टैंड, ये इसलिए ब्रेक किया है हमने क्योंकि यहाँ से हम लेफ्ट और राइट लिमिट बता सकते हैं। तो हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए, ये राइट एंड लेफ्ट एंड लिमिट। और राइट एंड लिमिट निकालेंगे इसके लिए आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स लाइज बिटवीन ए टू ए प्लस डेल्टा, मीन्स ए से राइट में पॉइंट लाई करेंगे, उसके लिए हमारी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो ये होती है राइट हैंड लिमिट। ओके, अब इसी पे बेस्ड ये सिक्स क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में नहीं करवाया आपको ये। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर रियल नंबर एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स वैल्यू कब, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू दे रहा है फंक्शन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन प्लस थ्री एक्स, मीन्स यहाँ पे इसकी लिमिट ब्रेक कर दी गई है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। जीरो से लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को बाय डेफिनेशन आपको कैसे शो करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस, यानी कि हम क्या करते हैं लिमिट के लिए ये कंडीशन लेके चलते हैं और एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, अगर हमें प्रूव करनी है तो ये हम कंडीशन लेके चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, दैट मीन्स जो x से लेफ्ट के पॉइंट ऑफ फंक्शन भी वही रहेगा वन माइनस टू एक्स दिस फंक्शन। ठीक है, एंड ये आपको यहाँ पे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं, एयर एफ ओफ एक्स क्या है यहाँ पे, वन माइनस टू एक्स, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो फंक्शन लेंगे वन माइनस टू एक्स जहाँ पे x लेस देन जीरो होगा। ओके, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, हम लेके चलते हैं एफ ओफ एक्स माइनस L, L इज ये हमें शो करना है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि एट x इक्वल टू जीरो एफ एक्स की लिमिट होगी वन। ठीक है, तो L के प्लेस पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे वन,
या एल ही ले लीजिए, चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, 1 - 2x - 1 एल की वैल्यू। ओके सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, -2x एंड दिस वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, और आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, 4x < 0 के लिए, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से आएगा -2x बिकॉज हेयर x इज लेस देन 0। ठीक है, अब नाउ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब इसका जो आंसर आया है मोड ऑफ 2x लेस देन एप्सिलॉन, एंड 2 को आप इधर ले जाइए, -2 को यहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि आप अगर मोड भी नहीं लगाते हैं तो विदाउट, यानी कि दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड माइनस जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके यानी यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन बाय 2, टेक एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा। मैंने क्या किया यहाँ पे, एप्सिलॉन बाय 2 को डेल्टा रख दिया, यानी ओनली एप्सिलॉन बाय 2 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना। तो यहाँ से आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, और इसको आप लिख सकते हैं इफ एक्स माइनस 0, या फिर ये वाली कंडीशन निकाल लीजिए जो ये कंडीशन आपने लेफ्ट हैंड के लिए लगाई है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे माइनस डेल्टा लेस देन एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू किससे लेस है, 0 से, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि माइनस डेल्टा दिस लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 0। आप इसको सेम टू सेम बनाना चाहते हैं तो 0 - डेल्टा लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 - डेल्टा इज 0 लेस देन एक्स लेस देन 0। ओके तो ये कंडीशन हमने होल्ड कर दी। यहाँ पे क्या लेके चले थे, एफ एक्स माइनस एल लेके चले थे, और हमने क्या प्रूव करना था कि एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए। अब ए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0, मीन्स यहाँ पे हमें प्रूव करना था 0 - डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 0, और यही कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या बन रही है, 1, बिकॉज हमने यहाँ पे 1 रखा है एल के प्लेस पे। यहाँ से आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, एज इट इज आपको राइट हैंड लिमिट शो करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या प्रूव करेंगे, हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 अगर रखते हो, 0 < x < δ, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं, फॉर राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या है, जहाँ पे x पॉजिटिव होगा, 1 + 3x, अप्लाई कीजिए यहाँ पे डेफिनेशन, एफ ओफ एक्स माइनस एल, एफ ओफ एक्स की वैल्यू है 1 + 3x और l है हमारा 1, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज 3x, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ 3x लेस देन एप्सिलॉन। ओके एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 लिख सकते हो यहाँ पे, देन एफ ऑफ यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट एप्सिलॉन बाय 3 इक्वल टू डेल्टा, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स लेस देन सॉरी डेल्टा, क्योंकि इसको हमने डेल्टा ले लिया है। ठीक है, और एक्स यहाँ पे किससे ग्रेटर है, यहाँ पे हम वैल्यू जो ही रख रहे हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए हम फंक्शन लेके चले हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ 0 < x, अगर एक्स ग्रेटर है तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड की कंडीशन। ठीक है, इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 + f(x) क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देन यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 f(x) = 1। तो यहाँ पे आपको क्या शो करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया है। देखिए थ्योरम
यहाँ पे दो थ्योरम मैं करवा देती हूँ मैं आपको पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज दैट बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल. मतलब आपको क्या दिखाना है यहाँ से कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ओके, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बताना कि एग्जिस्ट भी करेंगी और इक्वल भी होंगी. और अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करें इक्वल भी है तो आपको प्रूव करना है कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स जैसे आप एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती है. ओके, एंड अगर एग्जिस्ट करेगी तो किसी न किसी लिमिट के इक्वल आएगी, इक्वल टू एल. देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, क्योंकि इसकी लिमिट हमने एल ली है, लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. इसको हम ब्रेक मॉडल्स की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यानी एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा, एंड हेयर यू कैन राइट एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा ए एंड ए प्लस डेल्टा, क्योंकि ए जो नंबर है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा. दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में एंड एक्स इज लाइज बिटवीन ए से ए प्लस डेल्टा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, और अभी हमने क्या लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए, इम्प्लाइज दैट ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि ये कंडीशन तो होल्ड कर ही रही थी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये इस कंडीशन को हमने ब्रेक कर लिया. इसको हम लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम राइट हैंड के लिए यूज़ करेंगे. अगर ये कंडीशन आ रही है इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, बिकॉज ए से लेफ्ट के पॉइंट के लिए कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. और यही कंडीशन किसके लिए भी होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन के लिए भी. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, यानी कि ए से सारे राइट के पॉइंट के लिए कंडीशन होल्ड है. इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, दोनों के लिए एल ही आएगा. क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो एफ वही यही हमारी लिमिट होती है फंक्शन की, कब, जब x a को टेंड करता है यहाँ से राइट में और यहाँ से लेफ्ट में लेके चलेंगे. यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है बिकॉज इनके लिमिट l आ रही है, इज अ फाइनाइट नंबर, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी आ रही है क्योंकि दोनों की ही लिमिट l आ रही है यहाँ से. ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट देखिए. कन्वर्स में क्या लेके चलना है आपको, यहाँ पे आपको लेके चलना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल भी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ओके, और इन दोनों को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल. अगर एग्जिस्ट भी कर रही हैं और इक्वल भी हैं तो एग्जिस्ट करेगी तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, तो यहाँ पे हमने एल ले लिया और दोनों को इक्वल लेना है क्योंकि हमें दे रखा है ये. हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज दैट, यानी कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि हम ये दिखा देंगे कि इसकी लिमिट एल है. उसके लिए आपको ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी. अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर लेते हैं तो हमारी एफ एक्स की लिमिट एल हो जाएगी, कब, जब एक्स को आप ए टेंड करवाते हैं. चलिए, ये आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा दीजिए. एफ ऑफ एक्स माइनस लैंग्वेज आप लिख भी लेना चाहे, इसके लिए बता देती हूँ मैं. फोर एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा वन पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगा रहे हैं हम. ओके, इफ जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, a से लेफ्ट में, यानी कि x लेस देन a और
a माइनस डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे हमने डेल्टा वन लिया है, समझ गए, क्योंकि इसके लिए हमने डेल्टा वन लेना है एक लिमिट के लिए, और एक के लिए हमने डेल्टा टू लेना है, क्योंकि लिमिट इस राइट हैंड लिमिट भी और इसकी एल लिमिट है, इसके लिए भी हम ये लेके चलेंगे फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा टू पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स लाइज बिटवीन ए टू ए प्लस डेल्टा। ये डेफिनेशन हमने लगाई है राइट हैंड लिमिट के लिए, ओके। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। डेल्टा जो वैल्यू है वो दोनों से मिनिमम है, दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हो कि डेल्टा लेस देन इक्वल टू डेल्टा वन एंड डेल्टा लेस देन इक्वल टू डेल्टा टू। अब कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है, ए माइनस डेल्टा वन। आप यहाँ इस कंडीशन को आप लिख सकते हो, यहीं पर बता रही हूँ मैं आपको, इसको हमने लिख दिया ए माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल टू ए माइनस डेल्टा वन, लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा इज लेस देन डेल्टा वन, तो ए माइनस डेल्टा भी लेस हो जाएगा ए माइनस डेल्टा वन से यहाँ पे। और ये किससे लेस है, एक्स से, और एक्स लेस देन ए से। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, दिस इज लेस देन बाय एक्स एंड ये लेस देन है ए से। तो यहाँ पे हम कंबाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है फर्स्ट वाले, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए। यहाँ पे डेल्टा वन था और हमने क्या लिया, डेल्टा, डेल्टा वन से मिनिमम है, तो ए माइनस डेल्टा की वैल्यू ए माइनस डेल्टा वन से लेस आएगी, तो इनक्वालिटी हम ले सकते हैं ए माइनस डेल्टा से ए। एंड मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, इफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस डेल्टा, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को हम कंबाइंड कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे सेम, यानी कि ये कंडीशन तो सेम आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ ओफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन किस कंडीशन के लिए, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए एंड एक्स लाइज बिटवीन ए टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। अब इसको हम कंबाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस की इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इसे यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, l आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन की भी यहाँ पे कंडीशन होल्ड कर रहे हैं और डेल्टा के लिए भी होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, हम लिमिट इक्वल लेके चले थे, इक्वल टू l, तो हमने प्रूव करना था लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यानी l लिमिट आ रही है तो ये एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर। थ्योरम देखिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी, ठीक है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स हैज टू लिमिट्स एल वन एंड एल टू व्हेन एक्स टेंस टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि f ऑफ x की लिमिट क्या है, L1, क्योंकि दोनों ही लिमिट है, f ऑफ x के हमने दो लिमिट लिए कि L1 और L2 कब, जब हम मैं x को a पुट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया कि f ऑफ x टेंस टू L1 कब, जब x टेन करेगा a को, यानी कि x को a रखेंगे तो f ऑफ x की लिमिट आएगी L1, ठीक है। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, डेफिनेशन लगा दीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन इफ, यहाँ पे आप डेल्टा वन ले लीजिए, इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन, ओके। ये हमने डेफिनेशन लगाई लिमिट की, कब, जब एफ ऑफ एक्स की लिमिट है एल वन। यहाँ पे जो एप्सिलॉन हो पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि हमें थ्योरम प्रूव करनी है, तो इसको मैं लेके चलूँगी यहाँ पे एप्सिलॉन को, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ एल वन माइनस एल टू,
मॉडुलस लेंगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, और हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव नंबर एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड मैंने इसका हाफ कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो लास्ट में चाहिएगी हमें ये। सेकेंडली एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए इसको, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल टू, मीन्स एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल टू होगी कब, जब एक्स ए को टेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भी डेफिनेशन लगाइए, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ यहाँ पे हमने क्या करना है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर रहे हैं हम, डेल्टा ले लेते हैं हम, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, डेल्टा की वैल्यू दोनों से मिनिमम है, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन कि हमारे लेस देन डेल्टा होगा, अगर कोई क्वांटिटी डेल्टा वन से लेस है और डेल्टा डेल्टा वन से भी लेस आ रहा है तो वो क्वांटिटी डेल्टा से भी लेस होगी, तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो दोनों ही डेल्टा से लेस दिखा दिया हमने क्योंकि डेल्टा हमने दोनों वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू ले लिया है। ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड, दोनों को आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए यहाँ से, एंड अब हम लेके चलते हैं एल वन माइनस एल टू, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस कर देना है और एफ ऑफ एक्स ऐड कर लेना है, एल टू इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू एल वन माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड ये आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू, क्योंकि मॉडुलस है तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस कॉमन निकाल के, मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू, ठीक है, और ये दोनों किससे लेस आ रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन एंड लेस देन एप्सिलॉन यूजिंग इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वल टू लेस लिखेंगे यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी है हाफ ऑफ दिस, यानी कि यहाँ से आ जाएगा टू एप्सिलॉन और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है हमारी एल वन माइनस एल टू, ये आ गया लेस देन टू एप्सिलॉन, टू इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू रखिए हाफ ऑफ एल वन माइनस एल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल एल वन माइनस एल टू, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या चल रही है लेस, हमारे पास आ गया कि एल वन माइनस एल टू लेस देन एल वन माइनस एल टू, यानी कोई भी नंबर अपने से खुद से लेस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी कंट्राडिक्शन, देयरफॉर जो हमने एफ एक्स की दो लिमिट ली है देन यहाँ पे एक ही लिमिट आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लेके चले थे कि इसके पास दो लिमिट है, एफ एक्स की दो लिमिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज ओनली वन लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए इन फाइनाइट लिमिट। अब इनफाइनाइट लिमिट रियल लाइन पे अगर हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, अब हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी को कैसे टेंड करेगा और माइनस इन्फिनिटी को कब टेंड करता है, ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ देयर एग्जिस्ट एनी के पॉजिटिव नंबर,
ये जो के हम ये पॉजिटिव लेके चलेंगे, और अगर प्लस इन्फिनिटी टेंड करवाना है तो हम के को इतना बड़ा लेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मेरी इससे भी आगे चली जाए, कि फंक्शन हमारा के से भी ग्रेटर हो जाए। ठीक है, ये साइन नहीं है, ओनली यहाँ पे बताया मैंने कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इससे भी राइट साइड पे लाई करेगा, तो एफ ऑफ एक्स जो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ देर एग्जिस्ट एनी के पॉजिटिव नंबर, दिस इज हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा हो सकता है ये। ओके, यहाँ पे आप फोर ले लीजिए, फोर के पॉजिटिव देर एग्जिस्ट एंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू उस के से भी ग्रेटर आ जाती है। कब? जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि x को a वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कब टेंड करेगा? जब यहाँ पे कोई k नंबर, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कितना भी बड़ा हो जाए और फंक्शन की वैल्यू उससे भी बड़ी आ जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करता है। इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स टेंड इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि फंक्शन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ एक्स टेंड्स टू ए, जब एक्स ए को टेंड करेगा। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी को, अब यहाँ पे देखिए कि माइनस इन्फिनिटी यानी फंक्शन हमारा लेफ्ट में जाना चाहिए। तो हमने अभी क्या बताया कि के मैंने लेना है कि कोई जितना भी बड़ा नंबर हो जाए, एंड के इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, जैसे आप के को पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कैसे पॉइंट होते हैं? नेगेटिव पॉइंट होते हैं। के को जितना भी आप बड़ा लोगे, माइनस अप्लाई करती है वो उससे उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन हमारा माइनस के से भी लेस आए, यानी कि लेफ्ट में आएगा, तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी टेन टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर के पॉजिटिव हाउ एवर लार्ज इट मे बी देर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, क्या बताया अभी हमने कि फंक्शन लेस आ जाए माइनस के से। यहाँ पे हमने के को पॉजिटिव लिया है और हमने कहा कि के जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बन जाए। ठीक है, इतना बड़ा नंबर लेंगे उसको आप नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं तो वो उतना ही लेफ्ट में चला जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि बड़े अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है और नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो वो छोटी क्वांटिटी हो जाती है, यानी कि लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स उससे भी अगर लेस आ जाता है, यानी माइनस के से ला जाता है, देन वी कैन से दैट f ऑफ x लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू a, देन इसकी लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी। समझ गए कि x को हमने a रखा और फंक्शन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो ये आपको इस तरह से प्रूव करना है कि अगर प्रूव करना भी आता है तो आप ये कंडीशन लेके चलेंगे, और यानी कि ये कंडीशन लेके चलेंगे हम और इसको प्रूव करेंगे, ये नहीं ये कंडीशन। ठीक है, और अगर माइनस इन्फिनिटी प्रूव करना है तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए इसका, एट्थ एग्जांपल जो दे रखा है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ वन बाय एक्स टेंस डजंट एग्जिस्ट एट एक्स टेंस टू जीरो, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इस पे आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो जीरो, देन ये हमारा आना चाहिए प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये आपको प्रूव करना है, मीन्स आपको प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब एक्स को आप जीरो पुट करते हैं, और फंक्शन क्या दे रखा है, वन बाय एक्स दे रखा है। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखते हैं एक्स को अगर आप जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये तो आपको ये बाय डेफिनेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्लस इन्फिनिटी के लिए, आप क्या लेके चलेंगे यहाँ पे,
4, k positive. However, last there exists a delta positive such that हम ये left hand limit लेके चलते हैं, means f of x greater than k. ये condition हम लेके चलेंगे और ये condition हम prove करेंगे यहाँ पे, ठीक है. f of x की value रखिए 1 by x greater than k. x की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं 1 by k, और यहाँ पे हम 1 by k को ले लेंगे डेल्टा. टेक 1 by k इक्वल टू डेल्टा, या फिर आप लिख सकते हैं पुट 1 by k इक्वल टू डेल्टा. देन हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के इफ ये x इससे ग्रेटर था, कब आ रहा है जब x लेस देन आ जाएगा डेल्टा. और इसको आप क्या रखोगे, x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे. इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x, और ये हमें क्या दे रखा है 1 बाय x. अगर आप 1 बाय x पे जीरो लिमिट लगाते हैं तो क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी. ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस इन्फिनिटी कौन सी कंडीशन में आएगा, माइनस इन्फिनिटी कब आएगा. तो यहाँ पे हमें दिखाना था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा. ये हमारा हो गया यहाँ से, यानी प्लस इन्फिनिटी आ गया. अब हम माइनस इन्फिनिटी के लिए प्रूव करेंगे. फॉर के पॉजिटिव, के को पॉजिटिव ही लेना है, चाहे माइनस इन्फिनिटी के लिए प्रूव करो या फिर प्लस इन्फिनिटी के लिए. देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस के. इसके लिए आप क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस के से लेस होता है तभी वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, और हमें ये कंडीशन होल्ड करवानी है. यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखिए एक्स, वन बाई एक्स इज लेस देन माइनस के, ठीक है. देन आप इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन माइनस वन बाय के. यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट 1 बाय के इक्वल टू डेल्टा, और इस माइनस को आप लेफ्ट में यहाँ पे लेके आते हैं, यानी कि माइनस एक्स. जैसे आप माइनस को लेफ्ट में लेके आते हैं इनक्वालिटी चेंज हो जाती है लेस देन माइनस, यानी कि हमने बोथ साइड माइनस अप्लाई कर दिया. जैसे माइनस अप्लाई करोगे इनक्वालिटी चेंज जाएगी और ये माइनस प्लस हो जाएगा. ये हमारे पास माइनस एक्स को हम लिखेंगे मोड ऑफ एक्स लेस देन वन बाई के. ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इधर हमारा एक्स नेगेटिव चलता है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव. हमें प्रूव करना है माइनस इन्फिनिटी के लिए, इसलिए माइनस एक्स की वैल्यूज़. अब मोड ऑफ एक्स को आपने अगर सॉल्व कर रखा है, ये प्लस टू क्लास में बहुत आता है कि इसको आप ब्रेक करते हैं, एक्स की लेस देन वैल्यू जीरो से लेस होती है तो माइनस एक्स आता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो पॉजिटिव एक्स आता है, ठीक है. तो माइनस एक्स को हम मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी प्रूव करना है. इसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव चलेंगी, और नेगेटिव चलेंगी तो हम माइनस ऑफ एक्स को रखेंगे मोड ऑफ एक्स, ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा, और इसको हमने डेल्टा लिया है. इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस के इफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारा वन बाई एक्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. तो इस तरह से आपको प्रूव करना है माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी. डेफिनेशन है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी. तो इस पर आप एफ एक्स की लिमिट बतानी है. देन एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. हम ये लिमिट बता रहे हैं कि अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी रखती हूँ तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल आती है. यहाँ पर डिफरेंस क्या था, जो पीछे वाली हमने डेफिनेशन की थी वहाँ पे एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी आ रही थी और एक्स को हमने ए टेंड करवाया था, यानी एक्स के प्लेस पे हमें ए पुट करना था. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नंबर के पॉजिटिव सच दैट दिस इज हाउएवर लार्ज. ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है एंड ये स्मॉल नंबर लेना है बट पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स ग्रेटर देन के. ये कंडीशन इसमें चेंज हो जाएगी जो हमारी एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा होती है, ठीक है. देन अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, आप लिख सकते हो कि एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ये हम प्लस के लिए बता रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल आएगी. जब हमने एक्स को इन्फिनिटी रखा तो फंक्शन की लिमिट हमारी एल आ रही है. एंड एफ ऑफ एक्स
tends to L if x tends to minus infinity. अगर ये आपको माइनस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट बतानी है L है, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ k पॉजिटिव हाउएवर लार्ज सच दैट f ऑफ x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर x लेस देन माइनस k. ठीक है, कि x की वैल्यू माइनस k से भी लेस आती है तो वो इन्फिनिटी की साइड ही जाएगा, इसलिए आप क्या कहेंगे माइनस इन्फिनिटी के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू l. नेक्स्ट आपके पास है स्क्वीज प्रिंसिपल, ये बाय नेम आ जाता है. ठीक है, ये थ्योरम आपके पास आएगी बाय नेम कि स्टेट एंड प्रूव स्क्वीज प्रिंसिपल. तो स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स. एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से और जी एक्स फंक्शन लेस देन है एच ऑफ एक्स से. फोर एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन जीरो टू डेल्टा एंड लिमिट दे रखी है एफ एक्स की जब एक्स ए को टेंड करेगा और एच एक्स की जब एक्स ए को टेंड कर रहा है, दोनों की एल दे रखी है. तो ये बता रखा है कि अगर पहले वाला फंक्शन और लास्ट वाला फंक्शन दोनों की लिमिट सेम है तो जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी लिमिट वही आएगी, यानी इनकी एल लिमिट है तो जी एक्स की भी आपको लिमिट एल प्रूव करनी है. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास इसकी लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है एल. डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन. ये इसके लिए हम डेल्टा वन ले लेते हैं एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स ये भी एल दे रखी है, देन एच ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन जब एक्स माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा टू के. ठीक है, टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू. ये बहुत बार कर चुके हम, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि दोनों कंडीशन एक में ही कन्वर्ट हो जाएंगी लेस देन डेल्टा. बिकॉज अगर डेल्टा डेल्टा वन से लेस है तो ये कंडीशन अगर डेल्टा वन के लिए होल्ड कर रहा है तो डेल्टा के लिए भी होल्ड करेगा. ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा दोनों के लिए, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन ऑफ दिस. तो यहाँ से देखेंगे हम ये प्रॉपर्टी मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये ओपन कर लेते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन. किसके लिए, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए. एंड एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन फोर x माइनस ए लेस देन डेल्टा. ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है कि दोनों h ऑफ g ऑफ x जो है वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि h स्टार्टिंग में है f ऑफ x लेस है g ऑफ x से और g ऑफ लेस देन है h ऑफ x से. ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स किससे लेस है, एल माइनस एप्सिलॉन से और ग्रेटर है एल माइनस एप्सिलॉन से और लेस है एल प्लस एप्सिलॉन से. ठीक है, तो ये इनक्वालिटी हमारी जी एक्स के लिए भी होल्ड करेगी, यानी हम ये लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन कब, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. एंड इसको आप मॉडुलस में कन्वर्ट कर दीजिए, जी ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. इसी को ओपन करते हैं तो ये हम ओपन होता है हमारा मॉडुलस की जो इक्वालिटी होती है कब, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा. तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, लिमिट की. एक्स टेंस टू ए, जब हमने एक्स को ए रखा है तो जी एक्स की लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है. ये है स्क्वेज प्रिंसिपल. ठीक है, इसके बाद आपको कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स इज वन होता है. ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टेन एक्स बाय एक्स इज ऑल्सो वन एंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस एक्स इज वन. नेक्स्ट रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में निकाल रहे हैं हम, वन प्लस वन बाय एक्स रेज टू पावर एक्स. ध्यान देना है यहाँ पे कि 1 प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पे पावर जो फ्रैक्शन में नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी a. और अगर यहाँ पे मैं x को 0 लिमिट में चेंज कर लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर
वन बाय एक्स, ये भी वैल्यू ई होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो लिमिट है तो पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए और इन्फिनिटी लिमिट है तो बेस फ्रैक्शन में होना चाहिए, दोनों की वैल्यू ई होती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज होंगे हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन, ये आपके पास आ भी चुके हैं प्लस टू क्लास में। ठीक है, ये क्या होता है लॉग ऑफ ए, जिसका ई बेस होता है, और अगर यहीं पे मैं ए को ई में चेंज कर लेती हूँ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ई एंड ए के प्लेस पे ई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ई रखा है। और लॉग ऑफ ई इसको आप कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ ई बाय लॉग ऑफ ई कैंसिल होके वन आ जाएगा, तो ये हमारा वन होता है और ये होता है लॉग ऑफ ए। ओके, अब कुछ दो चार रिजल्ट और हैं कि जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाय टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, अगर इनका स्क्वायर कर लेते हो फर्स्ट एन टर्म्स का, एन का सम क्या आएगा एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एंड क्यूब में आता है अप टू सो ऑन एन क्यूब, दिस इज इक्वल टू एन इन टू एन प्लस वन बाय टू, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर दीजिए, वो होता है क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एज इट इज यूज होंगे क्वेश्चन। प्रूव करना है आपको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन एन अपॉन एन इक्वल टू वन बाय टू आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समेशन को सॉल्व कीजिए, समेशन एन का मतलब होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स, और अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया एन इन टू एन प्लस वन बाय टू होता है। तो यहाँ पे लेके चलिए आप लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट उठा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन एन बाय एन, समेशन एन की वैल्यू रखते हैं एन इन टू एन प्लस वन बाय टू, एंड डिवाइड में चल रहा है एन और लिमिट चल रही है एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इन टू एन प्लस वन बाय टू एन, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में स्क्वायर है इसको ठीक कर लेना, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इन टू एन प्लस वन बाय टू एन स्क्वायर, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एन प्लस वन है यहाँ से हम ले लेते हैं एन कॉमन, एन कॉमन लेंगे यहाँ से आ जाएगा वन प्लस वन बाई एन डिवाइड बाई टू एन, एन से एन फिर से कैंसिल, अब आप एन की लिमिट इन्फिनिटी लगा सकते हैं, यानी पुट करेंगे तो वन प्लस वन बाय इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू। ओके, एंड वन बाय इन्फिनिटी ज़ीरो होता है और ये आ जाएगा वन बाय टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब भी आपको इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी होती है जिस भी नंबर पर अप्लाई कर रहे हो उसको फ्रैक्शन में लेके आइए, यानी कि वन बाय फॉर्म में ले वन बाय एन, यानी कि इसको अपॉन में लेके आएंगे तो हम इन्फिनिटी पुट करते ही ये हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से इसको करना है, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, और अपॉन में चल रहा है एन क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से एन और एन यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक एन पहले से ही है, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, एन क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एन कॉमन लिया वन अपॉन वन प्लस एन, और यहाँ से एन कॉमन लेंगे टू प्लस वन बाई एन डिवाइड बाय सिक्स एन क्यूब, हमें जो डिनोमिनेटर में एन क्यूब है इसको कैंसिल करना होता है तो इसलिए हमें यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, और ये हमारा फ्रैक्शन में भी आ जाएगा ताकि इसको हम इन्फिनिटी रखें और ये हमारा जीरो आंसर दे। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं वन प्लस वन बाय इन्फिनिटी इंटू टू प्लस वन बाय इन्फिनिटी डिवाइड बाय सिक्स, वन बाय इन्फिनिटी जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, वन इंटू टू इज टू, आंसर आ गया वन बाय थ्री। ऐसे आप नेक्स्ट करेंगे एन क्यूब, यहाँ पे आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्यूब का क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू और कंप्लीट का स्क्वायर और डिवाइड बाय है एन फोर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर
n plus 1 square divided by 2 square is a 4, 4 n की पावर 4. लिमिट n tends to infinity, n square यहाँ पे है और n जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर स्क्वायर है, n square कॉमन आएगा, टोटल हो गया n 4, 1 plus 1 by n और कंप्लीट का चल रहा है स्क्वायर डिवाइड बाय 4 n, 4 n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करते हैं, n को इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, देन 1 प्लस 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज अ 1 बाय 4, दिस इज आंसर. ठीक है, तो इन्फिनिटी की लिमिट अगर आती है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है. देखिए एग्जांपल 14, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोसेक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आप शायद प्लस टू में कर भी चुके हैं, तो फटाफट बता देती हूँ इनको. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. ठीक है, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे x को 0, देन दिस इज बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, आंसर इज 1 बाय 2. ओके, नेक्स्ट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा. यहाँ पे आप सबसे पहले पहला स्टेप यही होगा कि हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं. साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और डिवाइड में चल रहा है थीटा क्यूब. ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ओपन करते हैं इसको, आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल, देन 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय थीटा क्यूब, एंड यहाँ पे आप इसको लिखेंगे थीटा टेंड्स टू 0 4 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, और दोनों की क्यूब ले लेते हैं पावर. ठीक है, और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स 1 होता है, तो ये हमारा कंप्लीट 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्यूब, एंड यहाँ से आ जाएगा 4 आंसर. नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan को आप ओपन करेंगे साइन x अपॉन कॉस x में, माइनस साइन x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से साइन x इज अ कॉमन, एंड यहाँ से आ जाएगा 1 बाय कॉस x माइनस 1 एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स. एक साइन से साइन क्यूब था भैया, साइन क्यूब, तो यहाँ पे हम साइन से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे दो पावर रह जाएगी. ओके, और हमें चाहिए साइन क्यूब कैंसिल करेंगे इज अ टू, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स आप एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, एंड एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स से कंप्लीट फैक्टर दिस इज कैंसिल, और अब आप एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, जैसे आप कॉस को 0 पुट करेंगे कॉस 0 इज अ 1, एंड ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कॉस 0 1 होता है 1, एंड आंसर इज 1 बाय 2. ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं आज, इसके कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो सेकंड चैप्टर है 2.1 एंड 2.2 इसकी दोनों की पीडीएफ मैंने जो कल जो हो वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दिया है लिंक, आप वहाँ पे चेक कर लेना, और वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं
वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।